कहा जाता है ना, काबिल बनने के लिए बैकग्राउंड तथा औहदा कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो आपकी सोच, आपकी लगन और आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर जीवन में मंजिल पाने की ललक है और आप उसके लिए कड़ी परिश्रम करते हैं तो उस मंजिल को पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं। आज हमारी कहानी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हौसलों को बरकरार रखा और आज एसडीएम का पद हासिल किया। लोग कहते हैं ना कि अगर आप मेहनती हैं तथा आपके अंदर जुनून है कुछ पाने की, तथा आपकी मेहनत और जुनून अपना रंग जरूर दिखाएगी। ऐसा ही कुछ किया जोधपुर की रहने वाली तथा जोधपुर नगर निगम में झाड़ू लगाने वाली आशा कंडारा ने। जी हाँ, आशा कंडारा चेहरे पर दुपट्टा बांधकर, हाथों में झाड़ू लेकर जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाया करती थी। आज वही लड़की एसडीएम बन गई। तो बता दें कि आशा कंडारा के लिए सफाई कर्मी से एसडीएम बनने तक का सफर आसान नहीं था। वो झाड़ू लगाने के साथ साथ खाली वक्तों में किताबें भी पढ़ती थी। आज इसी कड़ी मेहनत की वजह से उनकी किस्मत बदल गई और अब उनका राजस्थान प्रशासनिक सेवा में RAS 2018 में चयन हो गया। आशा कंडारा ने यह मुकाम पाने के लिए अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। बता दें कि 8 साल पहले पति से हुआ झगड़े के बाद आशा के लिए अपने 2 बाल बच्चों का जिम्मेदारी उठाने लगी तथा उनका पालन पोषण में कोई कमी नहीं की। वो नगर निगम में झाड़ू लगाती थी लेकिन उन्हें नियमित सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी, जिसके लिए उन्होंने 2 साल तक नगर निगम से लड़ाई भी लड़ी। ये सब के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुछ अरसों के बाद एक साथ 2 नौकरियों में उनका चयन हुआ। पहला कि नगर निगम के तरफ से सफाई कर्मचारी के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई और दूसरा कि राज्य प्रशासनिक सेवा में उनकी नियुक्ति हो गई। आशा ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके कामयाबी के सफर की कहानी आसान नहीं थी। वो दिन में जोधपुर की सड़कों पर स्कूटी से झाड़ू लगाने आती थी और साथ में कुछ किताबें भी लेके आती थी। खाली समय मिलने पर उन किताबों पर बैठकर पढ़ती थी। सड़कों पर झाड़ू लगाने के दौरान ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद नगर निगम के अफसरों को देख कर अफसर बनने की ठान ली। उसके बाद सिलेबस का पता लगाया और तैयारी में जुट गई। लेकिन आशा के लिए यह काम आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने हौसलों को बुलंद रखा और कड़ी मेहनत की। आज उन्होंने अपने मुकाम को पाकर यह साबित कर दिया कि लक्ष्य को पाने के लिए केवल लगन और कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, न कि किसी बड़े बैकग्राउंड की। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता।